हे गाइस, वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सलोन। और वी आर विद संप्रीता मैम। संप्रीता जी मैम, कहाँ से आए हैं आप? मैं कलकत्ता से आई हूँ। कलकत्ता से हैं, हाँ, राइट? तो ये तो टैंगल हो गया मैम का। ये काफ़ी टाइम हो गया है, 2 से 3 महीने, 4 महीने हो गए। और ट्रस्ट मी, ये बहुत हार्ड है। आवाज़ सुनोगे? इतना ज़्यादा हार्ड है। मात्र इसलिए मैं अभी क्लास दे रहा था, राइट? तो संप्रीता मैम, कैसे कैसे क्या हुआ, कुछ आइडिया? कुछ पर्सनल रीज़न भी था और मैं सलून में गई थी सलोन में ट्रीटमेंट, गई था हाँ ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो आफ्टर कुछ टेंगल होने के बाद। नहीं, तभी इतना टैंगल्स वगैरह नहीं था। ये जो नॉर्मल नॉर्मल जो डेली का टैंगल्स रहते हैं ना, हाँ, वही वो सब टैंगल्स डेली में, का। हाँ वही टैंगल्स में हम गए थे। तो बेसिकली हम गए थे वो केराटिन ट्रीटमेंट कराने के लिए, ताकि बाल सुंदर दिखे ये सब। जी, तो थोड़ा मिसगाइड हो गए थे, तो इसी वजह से मतलब कुछ गलत प्रोडक्ट्स इधर उधर होने के बाद, मतलब वो उसके बाद से ये बहुत हार्ड मीन्स होता गया। केराटिन लगाने के बाद ऐसा हुआ आपके साथ? मतलब मैं केराटिन ट्रीटमेंट के लिए मेनली गई थी कि जी मुझे लंबे बाल चाहिए जी ऐसा जी जी सोच के, लेकिन कुछ मिसगाइड होने के बाद से वो मतलब टाइट होते गया फिर मुझे कुछ अच्छा वाला रिकमेंडेशन, तभी कुछ अच्छा वाला रिकमेंडेशन नहीं मिल रहा था कि मुझे कहाँ पे जाके ये मतलब हेल्प मिले। फिर बहुत सारे यूट्यूब वीडियो जब देखा, तभी पीस का सलोन गौरव सर का अपना ही नाम आया। तो फिर अभी तो मिसगाइड हुई थी, तो उसके बाद से ये बहुत मतलब हार्ड होता गया। फिर मैं बहुत ट्राई कर रही थी कि जा कहाँ पे जाके ये मुझे सॉल्यूशन मिले। तो फिर आपका नाम आया यूट्यूब पे, पीस का सलोन गौरव से, तो फिर इधर आई हूँ उससे। YouTube किसने बताया? आपने ऐसे सर्च कर लिया? हाँ, क्योंकि मैं पागल की तरह ढूंढ रही थी कि कहाँ जाए कहाँ जाए। तो फिर आपका ही डिटेंगलिंग हेयर्स बोल के जब मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, तो आपका ही नाम आया, पीस का सलोन गौरव सर। तो इसलिए मैं इधर आई हूँ। मतलब टिकट नहीं मिल रहा जबरदस्त, था, हाँ टिकट भी नहीं मिल रहा था टिकट इमरजेंसी भी में, नहीं बड़ी मिल रहा मुश्किल से था, और अभी अभी मैं आई हूँ तो डायरेक्ट स्टेशन से इधर आ गई हूँ। डायरेक्ट स्टेशन से इधर ही आ गए हाँ हैं। हाँ हाँ तो कंडीशन तो बहुत खराब हो गया है गाइस। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए। ये थोड़ा सा जल्दी आना था, एक्सेस में टाइट हो गया ये। डोंट वरी मैम, अब एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपके जो ओरिजिनल हेयर है वो आपको ओरिजिनल हेयर ही दिए जाएंगे। जो आपके असली के बाल हैं वही आपको दिए जाएंगे। इसके अच्छा। अंदर कोई भी हेयर एक्सटेंशन नहीं लगेगी, ठीक है? कुछ बाल आपके ज़्यादा ही टेंगल हो गए, जो शॉर्ट हो गए हैं, कुछ आपके लॉन्ग हैं, जैसे आपको दिख रहे हैं, ठीक हाँ है? इसमें बीच में ये पूरा टेंगल है, दिख रहा होगा हाँ आपको, हाँ 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 ऐसे खड़ा हो जाता है देखिए, हाँ 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 राइट? तो इसको ठीक करते हैं, बस वैक्सिंग मेरा करते यही रिक्वेस्ट है आपसे कि थोड़ा सा बल, मतलब इतना नहीं होना हैं। चाहिए। देखो ये देखिए, हाँ अभी वो को तो दर्द नहीं हो पता रहा होगा आपको, है। अंदर से गल के ही टूट रहे हैं, राइट? हाँ, तो तो मैम बस की मेरा सेविंग, यही है कि थोड़ा सा लॉन्ग मुझे चाहिए, क्योंकि मैं यूज्ड टू हूँ इतना लंबा बाल देख के, तो इतना हो जाएगा तो मैं थोड़ा वो तो मैम इसलिए। की स्टोरी तो बड़ी सैड है थोड़ी सी। और ये मैम ने जो ट्रीटमेंट कराया तो सलोन से बहुत सोच समझ के, कैलकाटा के अंदर जो भी है सलोन का नाम, एज यूजल हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, तो हम किसी का नहीं लिया, आज तक भी नहीं लिया, इससे पहले भी कभी नहीं लिया, तो अभी भी नहीं लेंगे नाम किसी का, राइट? तो मैम का जो थोड़ा सा अप एंड डाउन था वो तो देखा, राइट? तो अभी देखते हैं कैसे क्या होता है। और आपके लिए स्पेशल मैं फिर से बता रहा हूँ, और अभी भी, कि हम कमिटमेंट नहीं दे सकते। मैंने आपको शोल्डर टच मैक्सिमम बोला है, उससे ऊपर नीचे जो भी होगा वो भी फाइनल होगा, राइट? ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी, वो उसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते, राइट? इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा, अपने आप को अंधेरे में मत रखिए, अच्छा ठीक है? ठीक है, बी स्ट्रॉन्ग, ओके? मैं ओके स्टार्ट करवा रहा हूँ, रेडी करवा रहा हूँ, ठीक है? ओके। बाकी आपका फेस ले सकते हैं ना वीडियो पे, कोई हाँ इशू नहीं हाँ है? हाँ तो कोई ये इशू फेस नहीं वैसे है। जैसे मास्क करवाते हैं कोई इशू से नहीं, नहीं इट्स है? ओके मैम, इट्स ओके ओके। दैट, थैंक यू। सो गाइस, आपने अभी बिफोर तो देख लिया, बिफोर के बाद ना क्या टाइम हो रहा है मैडम? 10 बज गए, अभी 10, हाँ 10 दस बज बज रहे गए। हैं, 10 बजे का टाइम हो गया रात के, शटर वटर डल गए हैं। हाँ तो अब जाके ये हुआ है, इसमें कोई वो नहीं है, लेंथ आप एक्सटेंशन देख नहीं, लो, बैक से भी आप देख लो, इसमें 1% भी हेयर एक्सटेंशन है मैडम, नहीं 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 हेयर एक्सटेंशन नहीं क्वालिटी है। ओरिजिनल हेयर दिया है। ये हुआ कैसे था, कुछ आप बता देते ना कि हाँ मतलब कुछ रीज़न तो था ही पर्सनल, और दूसरा बात ये था कि मतलब हम गए थे, मेरा फिजिबल तो रहता ही था, तो उसमें गए थे थोड़ा मतलब कैलकटा में गए स्टेट, थे? नहीं वो बेंगलोर में गए थे। सही, बैंगलोर में हुआ था, हाँ तो वो ओके? गए थे थोड़ा स्मूथनिंग बाल के लिए, जी कि वो फ्रीजी हेयर मुझे और नहीं चाहिए इसलिए। जी तो फिर जाने के बाद उन्होंने बोला था सैलून जी उन्होंने कि कुछ प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, जैसे कि बोटॉक्स, नैनो प्लास्टी या समथिंग, एंड केराटिन। तो उन्होंने बोला मेरा बाल बहुत ही ड्राई है, तो इसलिए सब एक साथ करना पड़ेगा। तो फिर वही ट्राई करते करते मेरा बाल में ऐसा ऐसा मतलब जो अब देखा था ना वैसा बांध गया था। तो फिर वो मैं बहुत टैंगल हो गया था परेशान, पूरा। हाँ
तो आपने कराया क्या था वहाँ पे बैंगलोर में? कलकत्ता से आप बैंगलोर गए थे? बैंगलोर वो एक्चुअली मेरा हस्बैंड का, अच्छा, वर्किंग वहाँ पे था। ओके, कंपनी। तो फिर ऐसा हो गया तो फिर मैं बहुत परेशान हो गई थी जी। कि बाल ऐसा, मेरा बाल ऑलवेज ऐसा वेस्ट लिम्ब का ही रहता है, तो मैं थोड़ा परेशान होकर मैं बहुत ढूंढ रही थी कहाँ मिलता है, कहाँ सर्विस मिलता है सोच के। तो फिर आपका वीडियोस यूट्यूब पे आया तो हमें सोचा कि ठीक है आपके साथ बात कर लेते हैं, एंड फिर अभी आके ये बात किया है। तो ये उन्होंने किया क्या था बेंगलोर में? वो ये मतलब जब हेयर वॉश कर रहे थे ना, तो फिर फर्स्ट तो एक मुरक्कन ऑयल जैसा कुछ ट्राई कर रहे थे, फिर उसके बाद क्योंकि मेरा फ्रीजी हेयर है, ड्राई फ्रीजी हेयर, तो उसके बाद उन्होंने हेयर जब मतलब वॉश करने के लिए लेके गए थे मुझे, तो एक एक करके हर एक मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब कोई प्रोडक्ट डाल रहे थे, ठीक है, वो शायद वो पाउच में आ रहा था, तो वैसा प्रोडक्ट डाल रहे थे। जैसे वो उन्होंने अप्लाई किया ना, तो मेरा बाल पूरा स्ट्रिप होते जा रहा था, तो फिर मैंने उनको बोला है कि मेरा बाल बहुत स्ट्रिप होते जा रहा है, मेरे तो बाल ऐसा नहीं था, लेकिन ठीक है थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग आर्ग्यूमेंट हो गए थे। तो फिर बाद में वो लोग वो डिटेंगलिंग के टाइम वो बैक कॉम्बिंग कर रहे थे, तो फिर मैंने बोला कि नहीं, बैक कॉम्बिंग से कोई मतलब हेयर ट्रीटमेंट तो होता नहीं है, क्योंकि मैंने भी वो बैक कॉम्बिंग का एक्सपीरियंस लिया है शादी के टाइम पे। ओके, हाँ, या सो इसके बाद वही कि मैंने ट्राई किया कि मुझे करवाना है, ठीक, उसके बाद आपका नाम आया यूट्यूब पे। तो यूट्यूब पे नाम कैसा है मतलब? वो डिटेंगलिंग हेयर, अच्छा, वो बोल के मैंने सर्च किया था, तो पहले ही आपका वीडियो आया था 20% गौरव से, सो वही देख के आपके साथ कॉन्टेक्ट किए हैं, उसके बाद आई हूँ। तो गाइस पहले तो मैडम कलकत्ता वेस्ट बंगाल में रहती हैं, और सर देखो सर ये रहे, सर भी साथ में पूरे पैकिंग वहाँ से सर बैंगलोर में काम करते हैं, वहाँ पे मैडम ने कुछ करवाया था ट्रीटमेंट, बैक कॉम्बिंग वाला कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है, तो मैम बता नहीं पा रही, इतना भी कोई वो नहीं है, लेकिन कुछ हुआ है तो वो बता भी रही है, तो दोनों चीज़ में बैलेंस करना हो तो आप समझ जाइए। नेक्स्ट, अभी फिर देख के फिर आए हैं, बिल्कुल नोट बनाओ, तो वीडियो आपने बिफोर देख ही लिया पीछे, राइट, कितनी बेकार हालत थी, उसको करते करते रात के 10 बज गए, सुबह 12 बजे से लगे हुए, और ओरिजिनल हेयर में काट के ओरो की तरह, ओरो की तरह काट के उसके अंदर विग नहीं पहनाते, ओरिजिनल बाल नहीं है हमने। और गाइस आपके लिए एक बात, मैम तो आ गई कलकत्ता से, और ये चीजें कि अगर आपको कभी भी 1% हो तो उसी टाइम सलून आ जाओ, क्योंकि पूरा दिन लग जाता है और पूरा मतलब टीम को लगना पड़ता है नॉल जो भी है, तो उसके बाद ही आउटकम आया है। तो फॉर टेंगल हेयर, ओरिजिनल हेयर बचाने, तो डू विजिट पी स्क्वायर सलून, मैम का एक्सपीरियंस था, और ये वीडियो हम आप डाल देंगे यूट्यूब पे, आप भी देख लेना, और आप उसमें काट के अपने यूट्यूब पे डाल लेना, मैम यूट्यूब बनाती है, तो ये मैम से हमने पूछा कि वीडियो डालते हैं, पहले तो हम बोल रहे थे मास्क, अगर आपको ऐसा कोई इशूज है आपकी वीडियो नहीं डालेंगे, मगर आपको काफी लोगों को इशूज होता है हमारा फेस लाइन, तो हम मास्क पहना देते हैं, एक रिव्यू जरूर शेयर कर लेते हैं, अगर आप सोच रहे कि हमारा फेस ऐसा गर्म करने के बाद डालेंगे यूट्यूब पे, तो ऐसा नहीं है। हाँ। हमने तो उल्टा मैम से कहा था मास्क लगा लीजिए, हाइड कर, मैंने खुद से बोला है कि नहीं, नो प्रॉब्लम, मैं मास्क हटा सकते हैं। ओके गाइस, थैंक यू, पी स्क्वायर सलून।